फाइल का नाम रखेंगे .php। आपको HTML की फुल फॉर्म पता है ना? HTML की? हाँ हाँ सर। क्या PHP की फुल फॉर्म पता है? नहीं सर। रैन तो मत पता करो। PHP की 1992 तक ना जो फुल फॉर्म थी वो थी पर्सनल होम पेज। हाँ, पर इसके बाद इसको चेंज किया गया, इसकी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, मैच कर रहा है कर रहा, पर यही है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। हाँ, ये देखो PH, भरोसा नहीं तुमको मुझ पे? पहले क्या थी? पर्सनल होम पेज, बट नाउ इट स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। ठीक है, बस हम इतना ही सीख रहे हैं PHP में, अभी जितना में नीट पड़ रही है। ठीक है, बाकी तुम्हारा डिजाइनिंग का कोर्स हुआ तो डिजाइनिंग में आगे नहीं कराऊंगा, डेवलपमेंट में आगे कराऊंगा PHP का। ठीक है, तो अभी हमने क्या करा, यहाँ पे इंक्लूड हेडर .php चलो हेडर बनाना स्टार्ट करते हैं। ये आ गया। ठीक है, हेडर .php में सिर्फ हेडर बनाऊंगा। ठीक है, एक बढ़िया सा हेडर बनाते हैं। तो पहले मैं किसको उसको बना लेता हूँ डिजाइन अपना, फिग्मा पे। फिग्मा में F शॉर्टकट था, डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे डेस्कटॉप साइज आ जाएगा। अब इसके ऊपर ड्रॉ करते हैं, थोड़ा ना फंकी सा बनाएगा। ठीक है, यहाँ मेरा हेडर आएगा। हेडर ना फ्लैट नहीं होगा, हेडर ना यहाँ से थोड़ा सा ना इस पर मैंने क्लिक किया और ये मेरा टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, लेफ्ट साइड से ना थोड़ा डाउन, ये इस तरीके का होगा ऐसा। ठीक है, ये आ गया 100। यही सेम चीज हमने क्या करा, आ गया दोनों। अच्छा, फिर चाहिए मुझे लोगो। लोगो मैं कैसा लगाऊंगा? लोगो मैं ना एक सर्कल के अंदर लगाऊंगा, जो कि सर्कल जो होगा वो ओवरलैप कर रहा होगा इसके ऊपर। यहाँ पे हेक्सा कोड लिखा होगा, इसके अंदर लोगो लगाऊंगा इसके कोड का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक लोगो लगा देता हूँ। ठीक है, चलो यहाँ लोगो डाल भी देते हैं। तो मैं अपना क्या करता हूँ, हेक्सा कोड ग्राफिक डिजाइन ये निकाल लेते हैं। हाँ राजेश, हेलो, क्या हुआ? अच्छा अच्छा, हाँ क्या हुआ, क्या चल रहा तेरा वहाँ पे? अच्छा ठीक है, हाँ क्या, हेलो, हाँ क्या हुआ? हाँ मास्किंग करने के लिए उसे उठा के उसमें डाल दे, कंट्रोल ऑल टाइम कर दे या हाँ, या फिर क्या नाम है, दोनों को सिलेक्ट करके उसको ऊपर रख और उसको नीचे रख, क्या नाम है, उसे उठा के कंट्रोल ऑल्ट के करके दिया, ऑल्ट के करके डाउनलोड कर ले, डाउनलोड करने के बाद कंट्रोल ऑल्ट के फिर और उसमें डाल दे। हम्म,
तो कंट्रोल ऑल्ट एम कर दियो, इमेज को ऊपर रखियो और उसको नीचे रखियो, ठीक है, उसको नीचे रखियो, इमेज को ऊपर रखियो, शेप को नीचे रखियो और सिलेक्ट करके कंट्रोल ऑल्ट एम कर दियो। ठीक है चल, क्या, हाँ मैं यही पूछ रहा था क्या चल रहा तेरा। क्या, हाँ 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 अच्छा 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 तो भी कुछ भी पसंद नहीं आ रहा डिजाइन। अच्छा ठीक ठीक है। अच्छा कोई इससे सीपी से कॉल आई कनॉट प्लेस से? अच्छा चल ठीक है, कोई वैसे कॉल आई? अच्छा अगर आए तो ना फिर उपासना का क्या चल रहा है, कर रही है? ठीक है अच्छा अच्छा ठीक है। और उसका मिले बात हुई से? चल ठीक ठीक चल ठीक है, अपने आप आ जाएगा। हाँ जो कल कार्डियो वाली, जो कल बच्चों ने कार्डियो वाली बना के भेजी थी बच्चे ने, वो क्या पसंद आई, सही नहीं आई? अच्छा चल ठीक 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 है, चलिए कोई नहीं, कर नहीं आ जाया कर, नहीं आके कर लिया कर, ठीक है चल। ये आ गया, अच्छा दोनों को सिलेक्ट किया, दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल ऑल्ट एम कर दोगे तो उसके अंदर मास्क हो जाएगी। ये आ गया और यहाँ पे कलर इसका वाइट कर देता हूँ। ठीक हेडर के कलर को मैच करा देते हैं। कैसे? हाँ कैसे? इसको सर हेडर के कलर से मैच करा देते हैं सर को। नहीं नहीं मैं ना ये अलग से हाईलाइट कराऊंगा, इसका कलर जो लूंगा वो मैं ये रखूंगा। ठीक है
ये मेरा क्या रहेगा, ये मेरा इसके ऊपर रहेगा ऐसे इमेज रहेगी यहाँ पे, ठीक है। और इसका कलर दे देंगे ये लोग कहाँ गए, ये लोग गए शरण और ये सब ये लैपटॉप इसी का रखा है ना, अच्छा इतना ड्रॉ करने का डिजाइन करता है, ठीक है। तो हेडर आ गया, हेडर तो थोड़ा सा अलग तरीके का हो गया, थोड़ा सा ना ऐसे ना उल्टे सीधे डिजाइन भी बनाना चाहिए ताकि ना कोई ये चीजें पता रहे कि कौन सी चीज अगर घुमा के लगानी है या कैसे डिजाइन रखना है तो किस तरीके से आ रहा है। तो इसमें इमेज है, ऊपर हेडर है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ हेडर ले लेते हैं, ठीक है। हेडर में हेडर की फाइल में बनाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे आप पीएचपी की जगह एचटीएमएल ले सकते हो ताकि शॉर्टकट मिल जाए आपको, ठीक है।
ठीक है आ गया हमारे पास ये। अच्छा पहले आ जाते हैं नैप की क्लास। नैप की क्लास कौन कौन सी रहती है हमारे पास? नैप बार, यूएल की क्लास, एलआई की क्लास, एक ही क्लास, व्हाट्सएप लिंक करा लेते हैं। ऊपर वाला सब देख रहे हैं। चलो जैम्प ओपन कर लेते हैं, बिना जैम्प के चलेगा नहीं है। लोग यहाँ सर्च करना लोकल हो स्लैश फोल्डर का नाम क्या था हमारा? स्टूडेंट वर्क, ऐसा कुछ आ रहा है। एक लाइन में ले आते हैं नेबर हाइफन एक्सपेंड हाइफन एलजी। अब इसके अंदर लगा देंगे बीजी कलर। तो अपन एक काम करते हैं बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं यही वाला। तो हमने क्या करा है एक नई फाइल ली सीएसएस की, यहाँ पे मैंने लिखा कॉलन रूट और यहाँ लिखा मैंने अंडरस्कोर बीजी ब्लू। ठीक है यहाँ पे मैंने डाल दिया ये कलर कोड। ये कलर कोड ठीक है और प्लस हमने क्या करा यहाँ पे यहाँ लिखा हेडर। हेडर यहाँ पे लिखा मैंने बैकग्राउंड वेयर बीजी ब्लू। तो ये बैकग्राउंड हमारा इस तरीके से आ गया। ठीक है फिर लिख दिया मैंने यहाँ पे कलर व्हाइट। तो कलर व्हाइट चाहिए तो यहाँ पे लिख देंगे नैप बार हाइफन डार्क। फॉन्ट कलर हो गया इसका व्हाइट। ठीक है नीचे कॉर्नर राउंड चाहिए, इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं ऐसा कुछ चाहिए। तो यहाँ पे हमने इसको पिक किया, इसकी हाइट आ रही है 150 पिक्सल। 150 पिक्सल ज़्यादा लग रही है मुझे, पर तो मैं चलो कोई बात नहीं मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसकी हाइट लिख देता हूँ। इसका नाम दिया मैंने माई नेव। यहाँ सी एस एस में गए और लिखा हमने फुल स्टॉप माई नेव। इसका हमने क्या करा मिनिमम हाइट दे दी, मिनिमम हाइट 150 नहीं दे रहा पर मैं 130 पिक्सल दे रहा हूँ। चेक करते हैं से कुछ हुआ ये ऐसा आ रहा है। ठीक है ज़्यादा लग रहा है ना, वहाँ कम लग रहा है। 130 की जगह हम क्या करते हैं 100 कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये ऐसा आ गया हमारा। ठीक है कॉर्नर मुझे राउंड चाहिए,
तो कॉर्नर राउंड चाहिए तो हम यहाँ पे बॉर्डर रेडियस लिख लेते हैं, सिर्फ टॉप राइट से जीरो चाहिए तो जीरो जीरो, और लेफ्ट राइट से मुझे चाहिए 50 पिक्सल 50 पिक्सल, तो क्या हो जाएगा इससे कॉर्नर नहीं हुए। इम्पोर्टेंट लगा लेते हैं, अभी भी नहीं हुए। कुछ नहीं हुआ, अभी भी कुछ नहीं हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या बॉर्डर बॉर्डर हाइफन रेडियस 100 पिक्सल सही था? माइन है दिक्कत तो है। क्या सही काम नहीं कर रहा है? रेडियस की स्पेलिंग सही है ना? सर सबसे ये स्पेलिंग वो चैंपियन चल रहा है सबसे अच्छा। तो जैम पे सर कोई हमें फाइल वगैरह कोडिंग करनी है तो कोई फाइल करनी है जब कोडिंग करो तो उसको ओपन करके। अच्छा अच्छा ठीक है, इसे यहाँ नहीं आएगा, ये लगेगा हमारा हेडर के अंदर। ठीक है, जीरो जीरो 100 पिक्सल 100 पिक्सल ये ऐसा कुछ आ गया। ठीक है, अब चाहिए राइट साइड पे, तो हमने लिखा यहाँ पे ML ऑटो, तो ये हो गया हमारा राइट साइड पे। थोड़ा गैपिंग चाहिए, PX-5 तो ये आ गया हमारे पास इस तरीके से। अब चाहिए मुझे लोगो, तो हमने क्या करा, इसको पूरे को यहां से एक्सपोर्ट कर लिया। तो ये एक्सपोर्ट हो गया लोगो, आ गया लोगो हमारे का। इसमें पेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे आपने लिखना है अब IMGSRC by logo.png with दे दी आ गया। अब क्या चाहिए, ये नीचे ओवरलैप कराना है, तो इसकी क्लास लगा दी हमने माई लोगो। CSS में गए और यहां लिखा हमने पोजीशन रिलेटिव टॉप 50 पिक्सल लेफ्ट 80 पिक्सल आ गया ऊपर ओवरलैप करके जैसा हमें चाहिए था। टॉप को थोड़ा कम कर लेते हैं, बिल्कुल सही आ रहा है, ऐसे ही चाहिए था हमें। ठीक है, अब हमें चाहिए बैनर, तो फिग्मा में जाते हैं, यहाँ से बैनर निकाल लेते हैं।
एक्सपोर्ट पे क्लिक किया, एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दिया, यहाँ से गए शो इन फोल्डर, इसको कॉपी किया और अपने उसमें डाल दिया, इसका नाम रख लिया बैनर। कोड में गए, यहाँ बैनर चाहिए IMGSRC इज इक्वल टू, और यहाँ पे क्या आ गया हमारा बैनर डॉट PNG। ठीक है, इसकी विड्थ दे दी 100%, या क्लास भी लगा सकते हैं W100। आउटपुट चेक करते हैं, ये आ गया हमारे पास ऐसा, पर ये क्या चाहिए ओवरलैप करता हुआ चाहिए इसके ऊपर। तो आप क्या करोगे, ये जो हेडर था इसके अंदर लिख दोगे पोजीशन एब्सोल्यूट, तो वो क्या करेगा अपनी जगह छोड़ देगा। तो इसने अपनी जगह छोड़ दी, रिफ्रेश किया, ये ऊपर ओवरलैप कर गया, पर इसका साइज भी कम हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी विड्थ 100% कर देंगे। तो आउटपुट चेक करते हैं, तो ये देखो पूरा सही सेट हो गया, आ गया समझ में, ओवरलैप कर गया हमारा। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं, यहाँ पे कुछ एक फॉर्म बना लेते हैं इसके ऊपर। तो फॉर्म बनाने के लिए जो इमेज वाला सेक्शन है उसके नीचे ही मैंने फॉर्म टैग लगा दिया, फॉर्म के का यहाँ पे क्लास लगा देंगे, इसका नाम दे दिया मैंने माय फॉर्म। अब इसकी CSS मेंशन करते हैं, यहाँ लिखा हमने फुल स्टॉप माय फॉर्म, इसकी विड्थ दे दी हमने कितनी 30%, इसकी हाइट दे दी हमने 400 पिक्सल, इसका बैकग्राउंड कलर दे दिया हमने वाइट। चलो तो अभी क्या हुआ, ये नीचे आ रहा होगा, दिखाई क्यों नहीं दे रहा, वाइट है, ऊपर लेके आना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन एब्सोल्यूट क्या काम करता है, अपनी जगह छोड़ देता है। अपनी जगह छोड़ने के बाद अपने क्या लिखा यहाँ पे, टॉप 200 पिक्सल एंड राइट 200 पिक्सल, तो इससे क्या हो जाएगा, फॉर्म हमारा राइट साइड पे आ जाएगा। आगे यहाँ पे ये पर मुझे इधर चाहिए था बिल्कुल इसके ऊपर, तो हमने टॉप यहाँ पे 200 की जगह पहले तो राइट को हमने 100 पिक्सल कर दिया और टॉप को हमने 150 पिक्सल कर दिया। तो अब ये आ रहा होगा हमारा ऐसा कुछ, आ गया यहाँ पे ये ऐसे आ गया। अब इसे कॉर्नर इसके भी राउंड चाहिए, तो हमने क्या करा यहाँ पे लिख दिया बॉर्डर रेडियस 40 पिक्सल, तो इससे बॉर्डर क्या हो जाएगा, इसके रेडियस कॉर्नर राउंड हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा राउंडेड कॉर्नर वाला आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे कुछ कंटेंट लिखते हैं। तो कंटेंट लिखने के लिए इमेज सही लग रही है, इमेज की जगह पीछे बैकग्राउंड कलर रख लो, ठीक लग रही है। इमेज में चाह रहा हूँ थोड़ी डार्क हो जाए, देखो उसके लिए क्या करते हैं, अगर आपके पास इमेज है और आप उसको डार्क करना चाह रहे हो तो पहले तो उसकी क्लास लगा लो, इसका नाम मैंने दे दिया बैनर। अब आप CSS में जाओ और लिखो फुल स्टॉप बैनर, इसमें लिखना आप फिल्टर, फिल्टर कराया नहीं ना मैंने, ब्राइटनेस 26%। तो देखो इससे कुछ फर्क पड़ रहा है, इमेज क्या हो गई, पर वो कहाँ चला गया, कैसे गायब हो गया, पीछे चला गया क्या, ये पीछे चला क्यों गया, पर कहाँ पे हमारा हेडर, ये रहा जेड इंडेक्स, पीछे चला गया वो। चलो तो पीछे से ऊपर लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ना जो भी हमने वो बनाया था क्या चीज हेडर, उस पर लिख देंगे जेड इंडेक्स। जेड इंडेक्स का रोल पता है आपको क्या काम करता है, हाँ लाइक इसमें मैंने 2 लिख दिया तो ये ओवरलैप कर जाएगा, उसके ऊपर आ गया होगा, देखो ठीक है आगे समझ में। तो ये बन गया हमारा, अब हम चाहते क्या है, इसके अंदर लिखना है, इसके अंदर कंटेंट डालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखे, यहाँ पे लिखते हैं
फिल इंक्वायरी बॉक्स है ना, तो यहाँ पे हमने अपने फॉर्म के अंदर H4 डाल दिया और यहाँ लिखा फिल इंक्वायरी बॉक्स, चेक करते हैं ये आ रहा है क्या। ये देखो यहाँ आ रहा है ये, ठीक है। अब इसको थोड़ा स्टाइल कर देते हैं, ठीक है। तो पहले तो मैं फॉन्ट चेंज करूँ, इसका फॉन्ट चेंज करना आपको आता है ना, फॉन्ट पता है आपको, फॉन्ट फैमिली। हे ईश्वर भोलेनाथ तू जाना, तो ठंडी ठंडी हवा आ रही है, तो आप तो वहां पे वाले भी आ रही है नहीं, वो लैब ना थोड़ी सुनसान सी लगती थी इसलिए मैंने यहाँ शॉप कर लिया। और यहाँ पे हमने क्या करा, इसको कॉपी करा और इसको अपने कोड में ले चलते हैं। डाउनलोड करके कैसे लगाएंगे? डाउनलोड करके बताता हूँ। तो मुझे कहाँ पे लगाना है ये, यहाँ पे। अरे वाह, तो तू दिमाग चलाने लग गया। माई फॉर्म के अंदर H4 ना, और इसमें हमने फॉन्ट फैमिली रोबोटो ले ली, ठीक है। तो फॉन्ट चेंज हो गया होगा, फॉन्ट चेंज हो गया हमारा। अब ये क्या चाहिए मुझे, सेंटर में चाहिए। तो टेस्ट लाइन सेंटर लिख दिया यहाँ पे मैंने, ये सेंटर में आ रहा होगा। अब थोड़ा सा ऊपर से स्पेस चाहिए, तो हमने क्या करा, यहाँ पे पैडिंग लिख दी या मार्जिन लिख दे, मार्जिन हाइफन टॉप 40 पिक्सल। तो इससे थोड़ा सा ऊपर से मार्जिन आ गया यहाँ पे हमारा, समझ में आ गया इतना। तो ये हमारा ये बन गया इतना, ठीक है। अब क्या चाहिए हमें यहाँ पे, क्या नाम है वो चाहिए, इनपुट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसमें पी क्लास लगा देते हैं, P-3। ये आ गया, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ऊपर ना लिखना भी एंटर नहीं, तो हम क्या करते हैं, इससे पहले ना जो डिप बनाया हमने, इसमें लिखेंगे क्लास फॉर्म ग्रुप, और इसमें लिखते हैं हम एंटर नेम। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछूंगा, ये बताओ मुझे HTML किसको अच्छे तरीके से आती है, कॉन्फिडेंस कौन है, ये मुझे आती है बड़ी चीज। ये क्वेश्चन है मुझे ना ये चाहिए कि ना इसमें ना जो ये जो है ये पहले से ना भरा हुआ है, एग्जांपल जॉन ऐसे लिखा हुआ है, तो प्लेस होल्डर में रख देंगे। मैं ये चाहता हूँ कि ना कोई भरे ना ना, तो एग्जांपल जॉन लिखा हुआ चला जाए, लिख करते हुए।
हमने सर सेंटर नेम डाला वैसे भी डाल सकते हैं, वरना सर प्लेस होल्डर ही है। सेंटर नेम हटेगा थोड़ी ना, सेंटर नेम नहीं हटेगा, प्लेस होल्डर तो ज्यादा लिखो जाएगा। एक कहाँ जा रहे हो? वहाँ क्लास ही तुम्हारी तो वही क्लास। हाँ ये क्लास सुबह सुबह वो तो तुम्हारी प्रैक्टिस क्लास है, इसके अलावा जो क्लास चल रही है तुम्हारी तो मैंने सुबह की करवा दी क्लास में। कौन सी काम करते बोल दिया मैंने तो सर ने ही बोला कि क्लास में सुबह ही ले ले, तो सुबह डबल डबल क्लास हुई थी। वो हुई क्लास वाली? हाँ तेरी क्लास हो गई? और क्या, मैं भी तेरे साथ सुबह से तुम्हें मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे दिखी नहीं। अरे आप इधर उधर हो गए थे ना। अरे सही सर अभी आ रहे थे। अगर नहीं हुई होगी क्लास, इनकी क्लास होगी इनकी? हाँ तो इनकी तो वैसे भी तो बैच चल रहा है इनका, ये तो प्रैक्टिस क्लास है। तुम्हारा बैच कौन गया जो बैच चल रहा था तुम्हारा? कौन कौन सा बैच है? खत्म हो गया अभी। फोटोशॉप तुम्हारे साथ नहीं होगा? नहीं फोटोशॉप की पहली क्लास में तो दिया। अच्छा उसके लिए क्या लिखते हैं? वैल्यू इज इक्वल टू राहुल, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, राहुल पहले से लिखा हुआ आ रहा है, क्या करेंगे वैल्यू लिख देंगे। ठीक है तो राहुल अब क्या करना पड़ेगा, मुझे हटाना पड़ेगा वैल्यू तो पहले अब हटाना पड़ेगा। ठीक है समझ में आ गया? अभी छोटा सा और पूछूं HTML से? मुझे क्या करना है, ये जो सबमिट लिखा है ना, सबमिट के जगह ना इंक्वायरी नाउ लिखना है, इंक्वायरी नाउ लिखना है। सबमिट लिखा चेंज करना है ना, वहां से जहां सबमिट किया और पहला नाउ हो जाएगा यहां पर सबमिट की जगह। इधर टाइप में कर दूंगा जगह। हां तो इसको इनपुट बॉक्स में डालने के बटन ले सकते हैं ना, वो जो मेल आगे मेल जाती है ना वो सिर्फ इनपुट से जाती है, पीएचपी में मेल जाती है फॉर्म फिल करेगा तो मेल भी तो जाएगी ना, वो इनपुट से ही जाएगी। कोई नहीं सर सबमिट ठीक तो लग रहा है सर, सबमिट चेंज हो गया है, मुझे इंक्वायरी नाउ लिखना है। हां क्या मतलब ये कुछ नया है वही करोगे क्या? उससे वो नहीं खोल सकते कुछ कभी? यहाँ पे लिख दिया मैंने वैल्यू इज इक्वल टू, और यहाँ लिख दिया मैंने इंक्वायरी नाउ, अभी बताया था वही सेम चीज इंक्वायरी ना हो गया। ये बन गया हमारा इतना। ठीक है समझ में आ गया इतना? अब बस लास्ट में यहाँ लिख रहा हूँ आप हेक्सा कोड स्टूडेंट पेज। ठीक है तो हम क्या करते हैं, अब ये फॉर्म वॉर्म सब कंप्लीट हो गया हमारा,
H1 हेक्सा कोड, ठीक है, BR स्टूडेंट वर्क, ठीक है। तो ये कहाँ लिखा रहा है, यहाँ लिखा रहा है, पर ये मुझे कहाँ चाहिए, इसके ऊपर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डॉट कैप्शन, यहाँ पे लिखा हमने पोजीशन एब्सोल्यूट, यहाँ लिखा हमने टॉप 120 पिक्सल, यहाँ लिखा लेफ्ट हमने 100 पिक्सल। अब चेक करते हैं क्या आ गया, ठीक है। कलर वाइट, कलर वाइट टॉप में ज्यादा, हाँ थोड़ा लेके आ रहे हैं, फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ा लेते हैं, कौन सा वाला एच लिया मैंने, H1 लिया, फॉन्ट हाइफन साइज 40 पिक्सल, H1 नहीं लिया शायद मैंने, H1 ही लिया, लिया क्यों नहीं फिर, मुझे एक जना और बताएगा। मैं चाहता चाहूँ कि ना वर्क जो लिखा, जो हेक्सा कोड लिखा है ना, वो ना स्ट्रोक, इसकी स्ट्रोक स्ट्रोक आए, फिल ना आए, और स्टूडेंट वर्क ऐसा ही आए, तो क्या करना चाहिए, ये हेक्सा कोड लिखा है ना, ये सिर्फ स्ट्रोक स्ट्रोक व्हाइट कलर की स्ट्रोक आए, ठीक है, अंदर का कलर ना आए, और ये ऐसा ही लिखा रहा है, क्या लिखा है में जाकर टाइप की स्ट्रोक लगा देने लिखा हमने H1 के अंदर स्पैन हाइफन वेबकिट हाइफन स्ट्रोक वन पिक्सल और कलर वाइट और यहाँ पे लिख दिया हमने बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट, ठीक है, सॉरी कलर ट्रांसपेरेंट, ये लोग हो गए, आगे समझ में, सही बताया था मैंने, सही बताया था, समझ में आया, इसी को बढ़ाते चले गए, इसी में मैं सारी चीजें करा दूंगा, ठीक है, फिर आगे भी इसी से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।